बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मसालेदार झटपट तैयार हो जाने वाले काला चना की रेसिपी। ये चटपटे से काले चने बहुत ही ज्यादा लाजवाब बनेंगे। आप रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बिस्मिल्लाह से आगाज करते हुए झटपट मसालेदार काला चना तैयार करते हैं। यहाँ पे ले लिए हैं 3 पाव काले चने, जिनको रात भर भिगो के रख दिया था, और उसके बाद हमने इसको प्रेशर कुकर में डाल दिया है। साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2.5 प्याज बड़े साइज के, और इसमें जाएंगे टमाटर 3 बड़े साइज के जिनको कट कर लिया है, और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन पेस्ट जिसकी मिकदार है 1 खाने का चम्मच। इसमें जाएगी 1 दालचीनी स्टिक और 1/4 हिस्सा बादियान का फूल। साथ ही हम इसमें डाल देंगे नमक, नमक जाएगा हसबे जरूरत हसबे जायका। पिसी लाल मिर्च जाएगी तकरीबन 2 खाने के चम्मच, धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, और 4 से 5 ग्लास हम प्रेशर कुकर में पानी डाल देंगे। उसके बाद हम इसको प्रेशर देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे हमारे पास काले चने हमने कुक कर लिए हैं जो कि सॉफ्ट हो चुके हैं। ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह काला चना यहाँ पे नरम हो चुका है। बस हम इनको सॉफ्ट होने तक पकाना है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे ले ली है एक बड़ी कढ़ाई और चने पानी समेत ही कढ़ाई में डाल देने हैं। चने में जो पानी है वो अब हम इसमें खुश कर लेंगे अच्छे से। यहाँ पे देखिए, पानी काफी हद तक खुश्क हो चुका है, और इसके बाद पानी जब खुश्क हो जाए तो इसमें हमने इसकी भुनाई करनी है। भुनाई करने के लिए हम इसमें लेंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल की मिकदार है 1.5 प्याली। तो फिर कुकिंग ऑयल डाल लेने के बाद हम इनको फ्राई करेंगे। साथ ही इसमें हमने बादियान का जो 1/4 हिस्सा और दालचीनी स्टिक डाली थी वो हम यहाँ से सेपरेट कर लेंगे, क्योंकि हमें इसका अर्क ही चाहिए था जो कि हमने जब चने बॉईल किए तो उसमें आ चुका है। इस तरीके से हमने इनको सेपरेट कर लिया है। तो फिर चने ऑयल में भून लेने हैं तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। 5 से 7 मिनट के लिए भून लेने के बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 चाय का चम्मच सफेद जीरा। पिसी काली मिर्च जाएगी 1 चाय का चम्मच। हल्दी पाउडर जाएगा 1/2 चाय का चम्मच। और ये सब ऐड कर लेने के बाद दोबारा से हम इसको भूनेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। ये देखिए, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जितना पानी था वो खुश्क हो चुका है। इसके अलावा चने में जो हमने ऑयल डाला था वो यहाँ पर हमारे पास कढ़ाई में नजर आने लग गया है। तो साइड पे देखिए, ऑयल नजर आ रहा है। तो यहाँ पे तकरीबन काले चने भुन चुके हैं। मजीद 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको यहाँ पर भूनेंगे, और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे दही 1/2 कप, जिसको अच्छे से फेंट लिया है। और इस तरीके से दही चने में ऐड कर लेने के बाद हमने अच्छे से दोबारा से इसको भून लेना है। तो यहाँ पे तकरीबन मजीद 2 मिनट ही दरकार होंगे आपको चनों को भूनने के लिए। तो देखिए, कितना जबरदस्त सा ये मसाला यहाँ पे रेडी हो चुका है। बहुत ही अमेजिंग से इसकी ग्रेवी बन चुकी है। बस स्टोव ऑफ कर देना है। ऑयल भी देख लीजिए, साइड पे आ चुका है, चने तैयार हो चुके हैं। अब हम इसमें सिर्फ फिनिशिंग और अच्छी लुक देने के लिए ऐड कर देंगे बटर, जिसकी मिकदार है 1 चाय का चम्मच, और हरी मिर्च के साथ उसकी गार्निशिंग की है। इसके अलावा इसमें लीमू इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहें तो लीमू का रस भी इसमें ऐड कर सकते हैं, मजीद यम्मी और टेस्टी बन जाएंगे। तो ये है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जबरदस्त से मसालेदार काला चना, जिसको हमने भुना है, और बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी है, सिंपल सी है और बहुत ही झटपट से तैयार हो जाते हैं। तो ये चटपटे से काला चना आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए रेसिपी को लाइक और शेयर कर लीजिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए बेल बटन के साथ, और ये अमेजिंग से काला चना रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए। दुआओं में याद रखिए। यहाँ पे देखिए, बहुत ही अमेजिंग इसकी लुक आ रही है। अब आपको भी ये रेसिपी जरूर ट्राई करनी है। ट्राई कीजिए, हमें फीडबैक कमेंट सेक्शन में दीजिए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुश रहिए, खुश रखिए। अल्लाह हाफिज़।